नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है, वो बची नहीं है। वो आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनके चमचे ने उनसे पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? क्या मैं सबको गरीब बना दूं? नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल आपने 22 लोगों को अरबपति बनाया है, गरीबों को आपने कुछ नहीं दिया, आपने गरीबों को और गरीब बनाया है। तो इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, चार चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ, कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो? फिर नरेंद्र मोदी कहेंगे, कोविड के समय नरेंद्र मोदी कहेंगे, भाइयों और बहनों ऐसे करो, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं, भाइयों और बहनों ऐसे करो, चलो चलो थाली बजाओ। उधर थाली बज रही है, दूसरे साइड चमचे कह रहे हैं, ओ देखो देखो प्रधानमंत्री ने क्या मजेदार बात बोली, थाली बजवा दी सबसे, गंगा में लाशें बह रही हैं। फिर कहते हैं भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। तो इनका जो रेप्यूटेशन था, इनकी जो छवि थी, ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। मैंने कहा प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये है नहीं मित्र, ये अदानी जी के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, अरबपतियों के मित्र हैं, किसानों के मित्र नहीं है, मजदूरों के नहीं है, छोटे व्यापारियों के नहीं है। अब ये जो बेचारे यहां आपके साथ गर्मी में भीड़ में खड़े हैं, कैमरामैन, छोटे छोटे रिपोर्टर, इनकी गलती नहीं है, इनको कमाई करनी है, सैलरी लेनी है, तो जो इनको ऊपर से कहा जाता है वो कर देते हैं, मगर इनके मालिक, इनके बड़े बड़े एंकर्स, ये सारे नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। भाई और बहनों, मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, हरियाणा से निकला, रास्ते पे सब ने कहा, मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और किसान। मीडिया में आपको ना किसान की बात दिखेगी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। मीडिया में आपको एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, तो दूसरी तरफ अंबानी की शादी, 8 करोड़ रुपए वाली घड़ी। ये लोग सच्चे मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये 2-3 अरबपतियों के काम करते हैं। तो कहना पड़ता है मीडिया के मित्र, मगर है नहीं ये। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है, तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती?
उनका 16 लाख करोड़, उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है, और किसानों का कर्जा माफ होता है, मनरेगा जैसी योजना आती है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ी जा रही है। अब मीडिया वाले आप अच्छी तरह सुन लो, हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। और कैसे बिगाड़ेंगे वो भी बता रहा हूं आपको, लिख लो अपने अखबारों में। जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे, किसानों का कर्जा माफ खटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। जो ये नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जो नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ ये इनका जो नफरत का बाजार है, इसमें आप सब मिलकर मोहब्बत की दुकान खोलिए। और ये पता लग गया है भैया, भाई और बहनों, कि यहां पे आंधी आने वाली है, कांग्रेस पार्टी का तूफान आ रहा है, हवा चल रही है धमाके से, यहां पे सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।